एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लखनऊ में यूपी कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने किया ताली थाली प्रदर्शन। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों ने लोकल उत्पादों को लेकर विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार पर लोकल उत्पादों की अनदेखी का आरोप लगाया। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उत्तर प्रदेश में भव्य कार्यक्रम, लखनऊ में सीएम योगी ने माल्यार्पण करके किया नमन, कई किसानों को किया सम्मानित, कहा किसानों को किया जा रहा गुमराह। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बेटे अजीत और पौत्र जयंत ने दी श्रद्धांजलि, कहा कृषि कानून को वापस ले सरकार। नए साल पर लखनऊ को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1040 आवासीय फ्लैट का करेंगे शिलान्यास। यूपी सरकार पंचायत चुनाव में अनिवार्य कर सकती है शैक्षणिक योग्यता, दो बच्चों के नियम पर हो रहा है विचार, मार्च में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में सरकार। अपने ही जाल में फंसा लखनऊ विकास प्राधिकरण, बिना डिमांड सर्वे के अपार्टमेंट बनवाना पड़ेगा भारी, डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को दी 25-25 फ्लैट बेचने की जिम्मेदारी। आजमगढ़ में बनेगा अखिलेश यादव का नया कैंप ऑफिस, 1 एकड़ में बनेगा अखिलेश का दफ्तर, पूर्वांचल की 117 सीटों को साधेंगे अखिलेश यादव। उत्तराखंड में चुनाव से पहले विकास मॉडल पर रार, मनीष सिसोदिया का मंत्री मदन कौशिक पर पलटवार, बताएं बहस के लिए कब और कहां मिलेगा वक्त। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में 6 दलों के गठबंधन, गुप्तार को मिला बहुमत, 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देश में 24 घंटे में 23,950 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, एक दिन में 26,895 मरीज रिकवर, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे। विकास दुबे के भाई दीपक दुबे ने किया लखनऊ जिला कोर्ट में सरेंडर, पुलिस को नहीं लगी सरेंडर की भनक, बिकरू कांड में पुलिस ने दीपक को बनाया है आरोपी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा का मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, याचिकाकर्ता ने की विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग। प्रयागराज गैस रिसाव कांड पर सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, इफको प्रशासन ने कहा क्लेंजर रॉड फटने से हुआ गैस रिसाव, हादसे में 2 की मौत, सूरत की हालत गंभीर। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, आग ने किया विकराल रूप, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने बुझाई आग। आगरा में अचार की फैक्ट्री में भयंकर आग, लाखों का माल जलकर राख, बिजली के तार टूटने से लगी थी आग। शामली में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, हर्ष फायरिंग करने वाले दूल्हे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध असलाह जब्त। हाथरस में मंदिर के अंदर लाखों की चोरी, कैमरे में चोरी का सामान ले जाते कैद हुए शातिर, तलाश में जुटी पुलिस। बलरामपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, 1.5 लाख का इनामी है पकड़ा गया बदमाश। रुड़की पुलिस ने मेयर के पूर्व कार्यालय प्रभारी रहे नीरज अग्रवाल को किया गिरफ्तार, मेयर गौरव गोयल के घर में घुसकर परिवार से गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप। बस्ती में पौधारोपण अभियान में अनियमितता और पौधों के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई, डीएफओ ने हरैया के वन रेंजर समेत 3 वन कर्मियों को किया सस्पेंड। देहरादून पुलिस ने 12 साल से फरार दंपति को नोएडा से किया गिरफ्तार, किट्टी कमेटी के जरिए लोगों के साथ की थी धोखाधड़ी। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है, दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, अगले 24 घंटे में तापमान और गिरने की संभावना। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, प्रदूषण और जहरीली हवा के कारण भारत में 2019 में 16.7 लाख लोगों की गई जान, 2017 की तुलना में 2019 में प्रदूषण से हुई अधिक मौत। रुड़की का सिविल अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर हो रहा हाईटेक, अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी, 72 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा लगाई गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।